दृषधानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय नमामि यमनामहं श्रीगुरुभ्यो नमः। वात्सल्य मूर्ति महाराज जी और सभी पूजनीय संत चरणों को प्रणाम। समुपस्थित संत वृंद, सभी ऋषि कुमार और सभी भक्त वृंद को प्रणाम। मन तो कर रहा है वो संकीर्तन कराने का, लेकिन पूज महाराज जी कराएंगे। ठाकुर हमारे रमण बिहारी। आप पूज महाराज जी के श्रीमुख से जब सुनने को मिलता है तो हमारे लिए मंत्र हो जाता है। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल जय यमुना श्री महाप्रभु श्री श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। गौ माता की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब जब यहाँ इस भूमि में आया हूँ, आज भी जब प्रवेश किया आश्रम में, तो मैंने पूज्य महाराज जी से तुरंत ये कहा, स्मरण होता है आज से 30 वर्ष पूर्व इसी स्थान में कहा हुआ। और तब जिस प्रकार का ये यहाँ का रूप कुछ अलग था, तो उस कथा से संबंधित फिर दो स्मरण बिल्कुल आज भी ताजा है। एक स्मरण तो ये, दो सत्र में कथा हो रही थी और अपराह्न सत्र के बाद हम समय से पूरा कर लेते थे, तो उसका कारण था कि उसके तुरंत बाद एक तो यहाँ ब्रह्मांड घाट पर वहां बाहर आरती करते थे हम श्री यमुना जी नित्य, और उसके तुरंत बाद फटाफट सब प्रसाद ले लेते थे, क्योंकि 8:30 बजते ही बिल्कुल घड़ी के कांटे से किसी न किसी दिशा से मेघ राजा की सवारी आती। मई का महीना था, लेकिन रोज रात्रि में बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना और श्रीमना मैया इस तरह से कृपा वर्षा करती थी, और ये प्रतिदिन का नियम। और उसके पहले पहले प्रसाद ले लेते थे। दोपहर में जब प्रसाद लेते तो वायु देवता आकर के इस तरह से व्रज की मिट्टी को, व्रजरज को उड़ाते कि पत्तल के प्रसाद में थोड़ी थोड़ी व्रजरज गिरती है। ये ब्रह्मांड घाट है, ये तो घर व्रज खाने का ही, व्रजरज मुख में रखने का ही स्थान है। वैसे ही नहीं रखोगे तो यहाँ की जो प्रकृति है वो माता खुद ऐसी व्यवस्था कर रही है कि व्रजरज आपके मुंह में आए। और फिर रात्रि में ये सब लीला होती थी, और रोज प्रातः यहाँ की कथा में यहीं पर पंडाल बना था उसका, और मथुरा से भी लोग नित्य आते जाते थे कथा श्रवण के लिए। और सुबह में उठकर के सारे वैष्णव जो यहाँ ठहरे थे, बाहर से आए थे, आ जाते थे, वो सभी पहले पंडाल का पानी निकालना और पंडाल में फिर नई मिट्टी बिछाना, और फिर उसके ऊपर बिछात बिछा के कथा के लिए उपयुक्त बना करके ताकि सब लोग बैठ सके, और फिर श्री यमुना जी में स्नान इत्यादि सब करते थे। तो वो स्मरण हो रहा है, उस वक्त की आरती का स्मरण हो रहा है। और आज जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया, हमारे पूजनीय मेरे अभिन्न और प्रिय
पूज्य मुनि जी महाराज ने जिस तरह से श्री गंगा जी के तट पर और वहां से शुरू करके न जाने कितने स्थानों में आरती शुरू करवाने में पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा रही है, क्योंकि कई स्थानों के लिए तो मैं उनके साथ साथ बगल में बैठ करके वो जिस तरह से कार्य करते हैं मैं साक्षी रहा हूं। तो आज वे भी यहां पर हम लोगों के मध्य में उपस्थित है, इतने सभी पूजनीय संत चरणों के सन्निधि में उनकी उपस्थिति में श्री यमुना जी की दिव्य आरती हो रही है। आज से प्रारंभ